ज्ञान देव होस्ट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल ज्ञान देव होस्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बैल के आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ असम पुलिस रिक्रूटमेंट 2019 के बारे में। तो चलिए आपको उसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, जानकारी देने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आप बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिस कर जाओगे। दोस्तों, साथ ही एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे आगे भी इसी तरह की वीडियोज बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। दोस्तों, अब मैं शुरू करता हूं इसके बारे में कंप्लीट जानकारी। ऑर्गेनाइजेशन नेम है पुलिस डिपार्टमेंट असम। टोटल वैकेंसी इसके अंदर 68 है। आप यहां पर 58 लिखी देख पा रहे होगे, तो दोस्तों ये मिस्टेक हुई है वेबसाइट के अंदर, लेकिन जो इसमें एग्जैक्ट वैकेंसी है वो 68 है। पोस्ट नेम सब इंस्पेक्टर की है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SI भी बोलते हैं। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहेगा, यानी कि आप इसमें ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन कर पाओगे, ऑफलाइन माध्यम से आप इसके अंदर आवेदन नहीं कर सकते। जॉब टाइप परमानेंट बेसिस, दोस्तों ये भर्ती परमानेंट बेसिस है। सैलरी, दोस्तों इसके लिए आपको जो सैलरी दी जाएगी वो होगी 14,000 रुपये से लेकर 49,000 रुपये पर मंथ। एप्लीकेशन फीस जनरल OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स को भी किसी प्रकार की फीस देने की आवश्यकता नहीं है, और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैटेगरी कैंडिडेट्स को भी किसी प्रकार की फीस देने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि सभी कैटेगरी कैंडिडेट इसमें मुफ्त में आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, एज लिमिट की बात करो तो इसमें मिनिमम एज लिमिट 20 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 24 साल है, यानी कि जिन आवेदकों की उम्र 20 साल से लेकर 24 साल के बीच में है वो लोग इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, आप यहां पर देख पा रहे हो वेबसाइट के अंदर मिस्टेक हुई है, तो चलिए मैं आपको इसकी एज लिमिट यहां से दिखा देता हूं जो ऑफिशियल है। दोस्तों, आप यहां पर इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख पा रहे हो कि कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 24 ईयर्स एंड लेस देन 20 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 1 जनवरी 2019, यानी कि जो आवेदक इस भर्ती के लिए आवेदन करेंगे उनकी उम्र 1 जनवरी 2019 तक 24 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाओगे। तो चलिए मैं आपको यहां पर इसके इलेक्शन के बारे में भी बता देता हूं, यानी कि किस कैटेगरी कैंडिडेट्स को कितनी एज इलेक्शन दी गई है, यानी कि आयु सीमा में छूट दी गई है। दोस्तों, 5 साल की छूट जो दी गई है वो है SC ST P and ST PH कैटेगरी कैंडिडेट्स को 5 साल का एज इलेक्शन दिया गया है। 3 साल का एज इलेक्शन OBC और MOBC कैटेगरी कैंडिडेट्स को दिया गया है, और साथ ही 3 ईयर्स इन रेस्पेक्ट और ट्रेंड होम गार्ड हु हैव सर्व्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स ऑफ और मोर, यानी कि एक जो होम गार्ड 3 साल से ज़्यादा तक सर्विस कर चुका है उनके लिए भी 3 साल की एज में छूट दी गई है। दोस्तों, अब मैं साथ ही यहाँ से आपको क्वालिफिकेशन के बारे में भी बता देता हूँ, यानी कि कौन लोग इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो इसमें पहली योग्यता है वो है BSc इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस या IT या फिर कंप्यूटर साइंस, साथ ही आपकी 10+2+3 ड्यूरेशन जो कि आपकी इस क्रम में हुई हो। अगर आपके पास ये योग्यता है तो आप सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो, और अगर आपके पास ये योग्यता नहीं है, आपके पास ये है 3 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम स्टेट पॉलिटेक्निक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेशन और कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट, यानी कि इसके बराबर कोई भी योग्यता विद 2 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम IT और अलाइड इन्वायरमेंट, यानी कि अगर आपके पास ये योग्यता नहीं है अगर तो आप इस योग्यता के आधार पर भी अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप इस योग्यता के आधार पर भी अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि आपको क्वालिफिकेशन के लिए कई ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ से इसके बारे में थोड़ी और जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी कि आपका सिलेक्शन किस आधार पर किया जाएगा। तो दोस्तों, आपका सिलेक्शन रिटर्न एग्जाम एंड PHT और PET के आधार पर किया जाएगा। जॉब लोकेशन दोस्तों असम रहेगी, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद आपकी पोस्टिंग असम के अंदर होगी। अप्लाई डेट 1 फरवरी 2 28 फरवरी 2019, यानी कि आप 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2019 तक इसमें आवेदन कर सकते हो। हाउ टू अप्लाई, यानी कि आवेदन कैसे करें, इसके लिए आप दोस्तों आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद आपको उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है जो कि मैं आपको आगे अभी इस वीडियो में दिखाने वाला भी हूं। और इसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करके उस पेज पर चले जाना है जहाँ पर आपको अपना फॉर्म भरना है, और आपको अपने फॉर्म के अंदर वो सारी जानकारी भर देनी है जो कि वहाँ पर मांगी गई हो। साथ ही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर के साथ में। इसके बाद आपको अपने जो डिटेल्स भरी है वो एक बार फिर से चेक कर लेने कि कहीं पर आपके द्वारा कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है
फॉर्म को भरने में, तो आप उसको वहीं के वहीं एडिट कर सकते हो और सही कर सकते हो। और लास्टली बस आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक और अप्लाई ऑनलाइन लिंक के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी वीडियो में देख भी चुके होंगे, तो मैं आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही मैं आपको अप्लाई ऑनलाइन का भी डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, जिसके माध्यम से आप डायरेक्टली उस पेज पर चले जाओगे जहां पर आपको अपना फॉर्म भरना है और आप अपना फॉर्म बहुत ही आसानी से भर पाओगे। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आई फॉर्म भरने में, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ले चलता हूँ और वहाँ से आपको इसके बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी बता देता हूँ। दोस्तों तो चलिए अब मैं आपको जो जानकारी बताने वाला हूँ वो इसकी जो डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज एज पर पोस्ट बेस्ड रोस्टर यानी कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल बताने वाला हूँ। दोस्तों अनरिजर्व के लिए मेल में 24 पद है और फीमेल में 10 पद है, और ओबीसी एमओबीसी के लिए मेल में 15 पद है और फीमेल के लिए 6 पद निकाले गए हैं। एससी के लिए मेल के लिए 3 पद है और फीमेल के लिए 1 पद निकाला गया है। एसटी के लिए एसटीएच के लिए मेल के लिए 1 पद है और फीमेल के लिए कोई पद नहीं निकाला गया है। एसटीपी के लिए मेल के लिए 6 पद है और फीमेल के लिए 2 पद निकाले गए हैं, जो कि आप यहाँ पर टेबल देख पा रहे होगे, पूरी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हो। दोस्तों अब बात आती है इसके फिजिकल स्टैंडर्ड की। दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। दोस्तों हाइट मिनिमम जो मांगी गई है जनरल ओबीसी एमओबीसी एससी से वो है 162.56 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 154.94 सेंटीमीटर मांगी गई है। एसटीएच और एसटीपी के लिए जो मेल के लिए हाइट मांगी गई है वो है 160.02 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152.40 सेंटीमीटर मांगी गई है। दोस्तों चेस्ट भी आपको बता देता हूँ। चेस्ट ओनली फॉर मैन जनरल ओबीसी एमओबीसी और एसटी एससीपी के लिए जो नॉर्मल चेस्ट मांगी गई है वो 80 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंड मांगा गया है, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपकी फुला करके 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। और एसटीएच के लिए जो नॉर्मल चेस्ट मांगी गई है वो 78 सेंटीमीटर है और इसमें 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंड मांगा गया है और जो कि फुला करके 83 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। और मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर जो आपका होगा वो आई टेस्ट होगा और भी जो जानकारी होगी वो भी आप यहाँ पर रीड कर पा रहे होगे। आई साइट आपकी देखी जाएगी और आप आवेदन कैसे कर पाओगे इसका पूरा तरीका यानी कि स्टेप वाइज स्टेप यहाँ पर बताया गया है कि कैसे आप आवेदन कर सकते हो। तो आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी कोई डिटेल समझने में प्रॉब्लम आए तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द जवाब दूँ। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बैल के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूले, क्योंकि उसी से आपको जब भी मैं आगे कोई न्यू वीडियो डालूंगा उसके बारे में नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे।